टी प्राइम बॉलीवुड हॉलीवुड भट डॉट कॉम एवं गढ़जोड़ मीडिया में केट शर्मा जी का स्वागत है। केट शर्मा जी, आजकल आप विशेष चर्चा में हैं, विशेष रूप से जो एक वीक में आपके जो गुलाम तेरा गाना है उसने एक वीक में मिलियंस को क्रॉस किया है, आप बहुत अमेजिंग फील कर रही होगी, क्या कहना है इस बारे में आपका? Thank you so much for inviting me here and thank you so much to my fans and मेरे director, मेरे co-actor जो कि singer भी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इस गाने को फरमाया है और गाने की सबने बहुत तारीफ़ की है, गुलाम तेरा की सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे fans ने, मेरे friends ने इनफैक्ट कहा, family को पसंद आ रहा है and I'm very happy। तू मेरी जिंदगी, इससे पहले आपका ये गाना भी मिलियंस में क्रॉस कर गया था, उसमें आप रोहन मेहरा जी के साथ थी, आपको कैसा फील हुआ उसके बारे में, उस गाने के अकॉर्डिंग उसके बाद? तू मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छा गाना था, वो उस गाने में कॉन्सेप्ट था और एक स्टोरी लाइन थी जिसमें लड़का और लड़की के बीच में गलतफहमी हो जाती है और मतलब काफ़ी प्यार करते थे दोनों, लेकिन बाद में लास्ट में ऐसा हो जाता है कि लड़की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने अपने आप को मार देती है, सुसाइड कर लेती है, एंड गाना भी बहुत अच्छा था, सबको वो भी बहुत अच्छा लगा। या बस आप उस गाने को अगर दर्शकों को सुनाएंगे तो दर्शकों को और भी याद ताज़ा होगी, शेयर करेंगे? मैं सुना, दो लाइन आप सुना। मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन हाँ मैं दो लाइन ज़रूर सुना सकती हूँ, मेरे रिसेंट गाने की मैं सुना सकती हूँ जिसका टाइटल है गुलाम तेरा और प्लीज डोंट जज माय सिंगिंग। तो गाना स्टार्ट होता है, खौरे हो या की करदा है जी, मैं बन के रहा गुलाम तेरा। इसकी स्पेशल लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है और वो मुझे सच में अच्छी लगती है, जो है, नैना ते मिटना तस्वीर तेरी, भूलना तो विसरे ना नाम तेरा। That's it. Thank you so much. फिल्मी दुनिया की जो जर्नी रही अब तक की आपकी, मैं चाहूँगा उस जर्नी को आपने श्री मुख से एक बार बताएं, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आप जर्नी तो 2016 से स्टार्ट हुई। वैसे तो मैं बचपन से ही इस मेरे ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहती थी लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था एंड देन यू नो कोई यहाँ पे गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी नहीं था, तो हम समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट या फिर मैंने अपना स्टडीज़ कंप्लीट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद में स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे आई, मतलब मैं मुंबई से ही हूँ बेसिकली, बट इट्स टू फार फ्रॉम माय होम दिस अंधेरी बिकॉज आई लिव इन सेंट्रल लाइन, तो बहुत दिक्कत हुई पहले तो स्टार्टिंग में, मैंने सीरियस किए सबको पता है, सो माय फर्स्ट शो वाज परम अवतार श्री कृष्णा जो बहुत सारी कोशिश करने के बाद मुझे मिला था, काफ़ी ऑडिशंस, काफ़ी लुक टेस्ट, ट्रेन में ट्रैवल, फिर वही ऑटोज़ में पैसे नहीं होते थे तो यू नो पैदल निकल लेते थे ऑडिशन देने के लिए, ऐसे भी दिन देखे हैं, एक वड़ा पाव खाकर भी पूरा पूरा दिन बिताया है, तो काफ़ी स्ट्रगल किया है। 2017 से लेके 2019 तक आज तक का सफ़र बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छा था, लेकिन हाँ गॉड इज़ वेरी काइंड कि मुझे टाइम टू टाइम जो भी चाहिए था सब मुझे मिला है आज तक। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स हु बिलीव इन मी। काफ़ी सीरियस में आपने काम किया और काफ़ी सॉन्ग्स आपके आए हैं, तो इसके बाद जो आपका इस फिल्मी दुनिया में आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने ज़्यादातर आपको सीरियल्स और सॉन्ग में दर्शकों ने देखा है जी। तो आगे दर्शक भी कुछ उम्मीद कर रहे होंगे, उनको आप बताएं कि भाई आगे आपका क्या प्रोजेक्ट है? आगे के प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं जो अभी मैं मूवीज़ पे काम कर रही हूँ, काफ़ी अभी मैं कुछ रिवील नहीं कर सकती लेकिन हाँ जल्दी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा मेरी मूवीज़ का, बाकी तो डायरेक्टर्स को पता, दे विल अनाउंस मी एज एन एक्टर। अगर बिग बॉस में आपको जाने का अवसर मिले तो क्या इस अवसर को आप प्राप्त करना पसंद करेंगी?
Big Boss, yeah, it's a good time play game and काफी लोग जाते हैं but फिलहाल अभी तो मेरा कोई ऐसा plan नहीं है लेकिन हाँ मौका मिलेगा तो जरूर why not. कहते हैं फिल्मी दुनिया में हर आदमी हर स्टार का एक Godfather होता है. अभी आपने Godfather का जिक्र भी किया जी. क्या आपका इस दुनिया में जो फिल्मी है Bollywood दुनिया है इसमें कोई Godfather है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं. कोई भी मेरा गॉडफादर आज तक नहीं रहा है जिसने मुझे बोलते हैं ना स्पून फीडिंग होता है या थोड़ा सा भी बताया हो कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना. नहीं, कोई भी नहीं था. सब कुछ स्टार्ट किया फेसबुक से, सब कुछ स्टार्ट हुआ. मतलब जैसे कि हम लोग न्यू होते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं होता तो हम सोचते हैं हम क्या करें, किसको कॉन्टैक्ट करें तो हमें काम मिले. तो फेसबुक ही ऐसा एक जरिया था जहाँ पे ढूंढने का, वेयर इज ऑडिशन इज गोइंग ऑन, यू नो. तो वैसा सब हम लोग ढूंढते थे एंड देन हम लोग जाते थे ऑडिशन देने एंड वैसे ही जर्नी चलती रही एंड बस दैट्स इट. मतलब ये कि आप अपने प्रेरणा के स्रोत खुद ही हैं? हाँ, ऑफ कोर्स. व्हाई? बॉलीवुड में जो है कंपटीशन बहुत है, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कोई कॉम्पिटिटर है इसमें? देखिए, मैं तो किसी को कॉम्पिटिटर सच अगर मैं बोलूँ तो मैं कोई नहीं मानती किसी को कॉम्पिटिटर, बिकॉज यहाँ पे सबकी जर्नी अलग है. सब लोग, यू नो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि रेस ट्रैक्स होते हैं, रेस ट्रैक्स. मेरा रेस ट्रैक ही अलग है तो मैं अपने रेस ट्रैक से बाहर निकल के दूसरे के बारे में मैं क्यों सोचूं? मैं अपने रेस ट्रैक में दौड़ रही हूँ और बहुत अच्छे से दौड़ रही हूँ. मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे इससे आगे जाना है उससे आगे जाना है, मुझे मेरे रेस ट्रैक में आगे जाना है. मैं बस इतना सोचती हूँ. धन्यवाद केट शर्मा जी आपका. थैंक यू सो मच. हमारे मीडिया हाउस में बता रहे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच.